जय माँ ब्रह्माणी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं अक्षिता आपके बीच में, आपकी प्यारी छोटी सिस्टर। दोस्तों, आप सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और जैसे कि अभी माँ ब्रह्माणी के भजन AR स्टूडियो पे निकाले गए हैं और आप सभी के प्यार से और आशीर्वाद से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं मेरे भजन और आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, तो ये आपका प्यार है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ब्रह्माणी माता का आशीर्वाद है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को गाने आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। मैं सिंगर अक्षिता गोई आपके बीच में। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जो अभी माँ ब्रह्माणी का सांगोद में नण का प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, हर साल के भांति इस साल ऐसा नहीं भर पा रहा है, लेकिन जैसे कि हर साल के भांति जो कि हमारा लोक उत्सव है नण हर साल भरता है, कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा प्रशासन की वजह से थोड़ा डगमगाया गया है सारा काम, तो उस वजह से जो बात थी वो नहीं हो पा रही है। लेकिन आज जो माँ ब्रह्माणी का जागरण है खाड़े के पक्ष में, जो खाड़ा का नाण होता है हमारे सांगोद में, उस पक्ष का आज जागरण है, 3 तारीख है आज। तो मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है और आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मेरे 3 दिन पहले से मेरी खाड़े के जो पटेल जी हैं, गिराज जी भाई साहब काफ़ी सारे हैं, उन लोगों ने मुझसे फ़ोन पे बात की प्रोग्राम में आने के लिए। उन्होंने मुझसे बोला भी सही कि आप प्रोग्राम में आओ अक्षिता जी, हमारे सांगोद की डिमांड है, सभी कलाकार जितने भी लोग हैं सांगोद के, तो वो आपको बुलाना चाहते हैं। सभी की इच्छा है कि इस बार अक्षिता गोरी ही सांगोद के नाड़ में प्रोग्राम करें। मेरी 3 दिन से बात चल रही है उन सभी से, तो मैंने हाँ भी भर ली और मैंने प्रोग्राम के बारे में उनसे बात भी कर ली। बोला उन्होंने आपका पूरा ग्रुप ही आना चाहिए, जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, जिन्होंने इसमें सारा एडिटिंग की है, वो जो कि आपके साजिद भाई हैं उनके बारे में। तो मैं खुद सिंगर जो मैंने भजन गाए हैं अभी जितने भी माँ ब्रह्माणी के नाण के सॉन्ग, मैं ओरिजिनल खुद सिंगर AR स्टूडियो कोटा से खुद जो म्यूज़िक दे रहे हैं आपके साजिद भाई, वो खुद वहाँ उस नाण के प्रोग्राम में प्रोग्राम देने के लिए हमने हारी भी भरी, पूरी बात हो चुकी थी। लेकिन परसों के दिन पटेल जी के और मेरे पुरता नहीं खा पाया प्रोग्राम में, क्यों? पेमेंट की वजह से। जो मैंने पेमेंट मांगा वो दे नहीं पा रहे हैं, तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरा ग्रुप में खुद नहीं आऊँगी, आप किसी और को बुक कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा कुर्ता ही नहीं खा रहा है पेमेंट में। तो उन्होंने मेरे कल हम दोनों की बात हो चुकी थी, मैंने मना कर दी थी, तो उन्होंने किसी और को बुक कर लिया होगा, अब मुझे पता नहीं कि किसको किया किसको नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आप सांगोद के लोग मेरे बार बार फ़ोन कर रहे हो, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जो भी, तो आप प्लीज़ मेरा फ़ोन मत करो, क्योंकि मैं सांगोद के नाड़ में आज प्रोग्राम देने नहीं आ रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा पेमेंट में पुरता नहीं खाया है, इसलिए नहीं आ रही हूँ। और ये अपनी अपनी इच्छा है कि अगर आपका पेमेंट में पुरता नहीं खा रहा है तो आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि जो मेरी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप लोग दिमाग में ये बात मत लाना कि मैं कहीं और ज़्यादा पेमेंट की वजह से कहीं जा रही हूँ, या मैंने आप लोगों से झूठ बोल दिया हो, या मैं मना कर रही हूँ वहाँ भर के। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं घर पे ही हूँ, मैं प्रोग्राम में इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप का पूरा पेमेंट उनसे हो नहीं पा रहा है, मैंने जो पेमेंट मांगा वो उन दे नहीं पा रहे हैं। अभी 20 तारीख का मेरा सांगोद में प्रोग्राम है, मेरे पास पूरा प्रोग्राम का साई वगैरह आधा पेमेंट सब आ गया है। तो आप लोग पूछ सकते हो कि अभी 20 तारीख का प्रोग्राम जिन्होंने मुझे दिया है कि हाँ मैंने हाँ भरी और मैं नहीं आ रही हूँ, तो वो बात अलग है। अभी जो पटेल जी ने मेरे को 3 दिन से बात चल रही थी, हम दोनों की बात ये हुई कि हाँ प्रोग्राम में हमारा ये पेमेंट में पुरता नहीं खा रहा है अक्षिता जी, तो हम किसी और को कर लेते हैं, अगले साल जब उगा ही होगी तो देखेंगे, ये उनसे मेरी बात हो गई थी। अब लोग बागों को ये लग रहा है कि आज मैं सांगोद के प्रोग्राम में आ रही हूँ, तो मैं आज सांगोद नाण के प्रोग्राम में नहीं आ रही हूँ दोस्तों, ना आपके साजिद भाई आ रहे हैं, ना मेरा ग्रुप आ रहा है। तो प्लीज़ आप मेरे फ़ोन मत कीजिए कि आप आ रहे हो ना अक्षिता जी, आज का प्रोग्राम आपका है ना अक्षिता जी, कब आओगे अक्षिता जी, आप आ रहे हो ना अक्षिता जी। तो ये दोस्तों, मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज के प्रोग्राम में नहीं आ रही हूँ। झूठी अफवाह मत उड़ाओ कि अक्षिता रावल आ रही है,
मैं नहीं आ रही हूँ आज के प्रोग्राम में, क्योंकि मेरा और उनका कुर्ता खा ही नहीं पा रहा कहीं से भी। अगले साल की देखेंगे। और माँ ब्रह्माणी का आशीर्वाद मेरे ऊपर खूब है, शुरू से ही रहा है और आगे भी रहेगा। मैं माँ ब्रह्माणी के ऐसे ही आपको भजन सुनाती रहूँगी, मुझे पैसे का लोभ नहीं है। ये मेरा स्टूडियो है, मैं कितने भी भजन निकाल सकती हूँ, यहाँ पे करोड़ों भजन निकाल सकती हूँ। ब्रह्माणी तो सबकी है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, सबकी है ब्रह्माणी। ब्रह्माणी का आशीर्वाद सब पे ही है। तो मेरी झूठी अफवाह मत उड़ाओ कि मैं आज वहाँ आ रही हूँ सांगोद में। खड़े के पटेल जी से संपर्क करो कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। आप मुझसे मत करो संपर्क, उनसे पूछो। वो जो 5 सदस्य बोल रहे ना कि आप आओगे तो भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, सभी आपको देखने के लिए आएंगे, सही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दे रही है, ये सब बहाने वो लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ। तो आप उनसे बात करो वहाँ जाके कि कौन आ रहा है आज, सिंगर कौन आ रहा है यहाँ गाने के लिए, कौन इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, कौन ग्रुप, किस नाम का ग्रुप आ रहा है। तो आप मुझे फ़ोन मत करो, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ आपको सभी के फ़ोन उठा उठा के। मैं यही बात कहना चाहती हूँ, जय माँ ब्रह्माणी। आप सभी के सामने मैं सिंगर अक्षिता गोरी आपका प्यार बना रहे हैं, आशीर्वाद बना रहे हैं, बस यही कहना चाहती हूँ।